Hi friends, welcome back to चाहत and Cutie Pie Vlogs. तो आज हम लोग लेकर आए हैं भूतिया डॉल का एपिसोड 2. ठीक है. तो अगर आपको हमारी एपिसोड 2 पसंद आए, उसे एक लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जैसे तभी हमारी जब भी हमारी न्यू वीडियो है आपको सबसे पहले पता चल जाए. और ऑल्सो वेट अ मिनट, हमारी आन्या कुछ बोलना चाहती है ना? है ना. और हम लोग का, अगर आपने हमारा एपिसोड 1 ऑफ भूतिया डॉल नहीं देखा तो क्या वेट आप क्यों कर रहे हो, अभी जाओ और देख कर आओ हमारी एपिसोड 1 ऑफ भूतिया डॉल. आपको नहीं मिलेगी वीडियो, पता है, कोई बात नहीं, पर क्योंकि हमारे चैनल का नेम तो वैसे ही बहुत यूनिक है तो वो आपको मिल ही जाएगी. अगर नहीं मिले तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अरे सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें ऐसी जगह रखा है ना जहाँ तुम तो क्या तुम्हारे साया भी नहीं फटेगा, और तुम्हारी दीदी उसका तो पता नहीं, वो तो यहाँ कभी भी नहीं पहुंच पाएगी. हाँ तो तुम यहीं रहो और तब तक बाहर नहीं होगी जब तक मैं ना कहूँ. समझी, कोई बात समझ आई तुम्हें? आ गई. इस बार कैसे निकल? पर दीदी फोन कर. हाय दीदी. हाँ हेलो आन्या, क्या तुम यहाँ फंसी हुई हो? पर तुम फंसी कहाँ हो? मैं यहाँ फंसी है और मैं खेलों में जाना चाहती लेकिन अब वो कूल नहीं मेरा चाचा. ओ अच्छा, कई तुम जो कह रही थी कि तुम्हारी भूत डॉल भूत, तो तुम्हारी डॉल के अंदर भूत है, वो सच तो नहीं है क्या? वो सच है? नहीं, सच नहीं है. तो तुम कहाँ गायब हो सकती हो? मम्मी तुम्हें रात से बुला रही है. रात से क्या, वो तो तुम्हें दिन से ही बुला रही है. तुम पता नहीं कहाँ हो. तुम बताओ, तुम्हें डॉल ने कहाँ रखा? क्या डॉल सच में भूतिया है? अच्छा, डॉल ने तुम्हें कहाँ रखा है, जल्दी बताओ, फिर मैं वहाँ तुम्हें लेने आती हूँ. अच्छा, तुम उस रूम की बात कर रही हो ना जो हमेशा ब्लॉक रहता है और मम्मा कहती है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, उसी रूम की बात कर रही हो ना तुम? हाँ. अच्छा, पर उस रूम में तो ताला लगा है, तो ताला और डॉल कैसे ताला खोल सकती है? वो ताला तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी की सिर्फ और सिर्फ मम्मी के पास है, और मम्मी उसकी को ऐसी जगह छुपा के रखती है जहाँ हम में से कोई नहीं जा सकता. हेलो, अरे फोन कट गया. अभी मैं जाके मम्मी से पूछती हूँ कि उस रूम में ऐसा क्या है जो मम्मी मुझे, आन्या और किसी को वहाँ जाने नहीं देती है. मम्मी जरा आप बताइए मुझे, क्या ऐसा क्यों कहती है कि हमें उस रूम में जाना नहीं चाहिए जो हमेशा लॉक्ड रहता है, और उसकी की आप अपने पास रखते हो पर हमें कभी नहीं देते, ऐसा क्या है उस रूम में, मुझे भी जानना है. आप मुझे नहीं बताओगे पर प्लीज़ मम्मा बता दो कि क्यों आप ऐसे करती हो, क्योंकि अगर वो नहीं पता चला तो पता नहीं क्या होगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जानना था मुझे क्योंकि बहुत दिनों से बंद रहता है, तो आई जस्ट थॉट टू जस्ट नो समथिंग अबाउट दैट. आप जल्दी से बता दो ना यार थोड़ा सा. ठीक है, आप मत बताओ. पर मैं मम्मा को रीज़न कैसे बताऊँ? मम्मा को बताया तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और अगर मैंने किसी और को बताया तो कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा. मम्मा को ही बताती हूँ, फिर मैं और मम्मा साथ में मिलके उस भूत को मारेंगे. हाँ यार मम्मा, जो आन्या को मैंने डॉल दी थी ना उसके बर्थडे पर, वो भूतिया है, भूतिया. हाँ मम्मा, जब आन्या ने ये मुझे बताया था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि वो डॉल भूतिया है. मुझे समझ आ गया है वो डॉल भूतिया है, और डॉल वो आन्या ने मुझे फ़ोन किया था. आन्या मेरे पास सेम फ़ोन है ना, कलर एंड एवरीथिंग इज जस्ट सेम. उसने कहा कि वो भूतिया डॉल ने उसे लॉक करके रखा है उसी रूम में जो जहाँ आप
हमेशा अपनी उस रूम की चाबी अपने पास रखते हो, आप कभी हमें नहीं देते। उस रूम में उसे लॉक करके रखा है, आप प्लीज उस रूम को खोलो, प्लीज प्लीज, नहीं तो आने कभी नहीं मिल पाएगी हमें। क्या मम्मा? वो रूम की चाबी हर दिन बड़ी होती है उसकी साइज, मतलब उस रूम की चाबी का होल हर दिन बड़ा होता है। अब मैं क्या करूं, चाबी भी लूं तो उस दिन तक वो बड़ी हो जाएगी। और मम्मा ने तो ये भी बताया कि रात के 6 शाम के 6 बजे के बाद उस रूम को खोलना अलाउड नहीं है, और सारे जो मेरे पास में है लॉक वाले वो तो अपनी दुकान ही 2 बजे के बाद खोलते हैं। मैं क्या करूं, चाबी बनाने में भी तो बहुत टाइम लगेगा और फिर घर आते आते तो बहुत टाइम हो जाएगा, मैं क्या करूं। चलो आन्या को उसी नंबर पे फ़ोन करती हूँ जिस पे उसने मुझे फ़ोन किया था। हेलो आन्या। आन्या तुम मुझे ये बताओ कि अभी तुम्हारे आसपास कौन है? भूत? अच्छा अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम वहाँ से भागने की कोशिश करो, और अगर उस डॉल ने कुछ किया तो मुझे जल्दी इसी नंबर पे फ़ोन करके बता देना, और फिर मैं और मम्मा वहाँ पे आके तुम्हें बचा लेंगे, ठीक है? ओके बाय। लड़की कहीं मत जा तू, मैं तो तेरा ऐसा हाल करूंगी ना। अरे रुक लड़की रुक। तू मुझे गुस्सा मत दिलाओ ना, तो मेरे पास ऐसी पावर है ना, ऐसी शक्ति है ना कि तुम्हें मैं 1 मिनट में शांत कर सकती हूँ। अब देखो मैं अपनी सुपर पावर इसे दिखाऊंगी। अब आगरा ढुवारिया सा हुआ वाशिया वाशिला मेरी पावर ऐसी है जो सबको 1 मिनट में गिरा के मार सकती है। वैसे ये मरी नहीं है अभी तक, पर जल्दी अगर इसकी दीदी से बचानी भाई। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया ना, तो मैं आपके भी घर पे आ जाऊंगी और आपको ऐसे हॉन्ट करूंगी जैसे आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। तो अब भी सब्सक्राइब कर लो, 5 तक गिनती गिनूंगी, फिर अगर नहीं किया तो देखना रात को क्या होता है। 5 4 3 2 1 या नहीं। स्टैंड अप नीचे। हाँ बोलो। हाँ हाँ। अरे मुझे ऐसा क्यों लगा कि आन्या अभी अभी यहाँ थी, मुझे उसकी आवाज आई। Mm-hmm.